कॉलर की कटिंग करके रख ली है मैंने, जिसकी लेंथ है 12 इंच और इसकी चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच। तो मैंने दो सूटों में कॉलर लगाई थी इसलिए मैंने एक साथ ही कटिंग कर ली है। और ऊपर की साइड से देख सकते हो आप लोग, मैं यहीं से गुलाई कर रही हूँ और टोटल लेंथ इसकी 11 इंच रह जाएगी। तो मैं अभी इसे सेट करके बता दे रही हूँ, यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी मैं दोनों पे। और ये सिलाई लग चुकी है हमारी, ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा करके बताऊंगी मैं। और ये कॉलर यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है इसके, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं हटा दूंगी कैंची की हेल्प से। हटाने के बाद मैं इसे सीधा करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे बीच में मैं कट लगा दूंगी, और बीच में जो सूट है हमारा उसके नेक में भी बीच में ही कट लगा दूंगी। आपको एक बार मेजरमेंट दिखा दे रही हूँ इसका, डिट्टो मैं बीच में लगा रही हूँ। और यहीं से अपनी कॉलर लगाना स्टार्ट करूँगी मैं, और यहीं से कॉलर लगाएंगे तो कॉलर दोनों साइड इक्वल आएगी हमारी। तो जो सीधी साइड है मैं वहाँ से रख रही हूँ इसे, आप लोग देख सकते हो, जिससे कि फोल्ड करके ये पीछे की साइड आ जाए इसका। यहाँ तक हमारी सिलाई हो चुकी है, एक साइड मैंने सिलाई लगा दी है इसकी। सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड भी मैं इसकी ऐसे ही सिलाई लगा दूंगी। और देख सकते हो आप, इसे ऐसे फोल्ड कर देना है, पूरे में ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाई लगाने के बाद दोबारा ऊपर की साइड सेफ देने के लिए, अच्छी सेफ देने के लिए दोबारा सिलाई लगा दूंगी मैं। यहाँ से हमने दोबारा सिलाई लगा दी है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉलर लगाना पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें इसे। थैंक यू, वॉच दिस वीडियो।